साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा विद्यालय है जिसका नाम है महामाया मालती देवी इंटर कॉलेज मलहत। ये दबिथुआ में पढ़ता है और इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं बालचंद्र विश्वकर्मा जी। बालचंद्र विश्वकर्मा जी इस विद्यालय का देख रेख करते हैं और हमारे साथ में महाराष्ट्र की धरती से एक बौद्ध भिक्षु हैं बंते नागवंशी जी, जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं और यहाँ पर मोनेस्ट्री की स्थापना हो, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर बढ़े इसके लिए उनका लगातार प्रयास चालू है। तो उसी एक जगह की देखने के लिए यहाँ आए थे तो इस विद्यालय को जो इनके प्रबंधक हैं उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इस विद्यालय के विषय में बताया तो हम सर से मुलाकात किए। तो किस प्रकार से सर यहाँ बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती है? शिक्षा दीक्षा सर जो है मतलब निचले स्तर गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं, जो हमारे संस्थापक प्रबंधक महोदय का उद्देश्य सर की क्षेत्र सर विकास हो और बच्चों का विकास हो। अच्छा। निरंतर जो है जो हमारे महान आदर्श पुरुष विभूति है जो है उनके बारे में बताया जाए सर जो है, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सब चल रहा है सर जो। तो ऐसे विद्यालय बहुत कम होते हैं जहाँ महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार बच्चों के माध्यम बच्चों को भी जानकारी दी जाती है। तो भंते जी क्या कहेंगे, बौद्ध समाज के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की और यहाँ करीब 1000 जितने बच्चे अभी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें महापुरुषों की शिक्षा भी दी जाती है। तो आप एक बौद्ध भिक्षु हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, तो क्या कहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको, किस प्रकार की जानकारी देना चाहेंगे? देखिए बाबा साहब कह के गए कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है जी। अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि 500 के करीबन बच्चे यहाँ से 900 बच्चे यहाँ से IAS बन के निकले हैं, पढ़ रहे हैं। तो समाज के लिए इतनी अच्छी बात है। इसमें इस कॉलेज में बुद्ध वंदना भी होती है। हाँ सर जी। तो अच्छा ऐसी कॉलेज होना चाहिए। तथागत बुद्ध के काल से समय भी ऐसे कॉलेज थे, विश्वविद्यालय थे, उसका जैसे नालंदा है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है, वो भी ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। 10,000 शिक्षक वहाँ पे पढ़ाते थे। तो टीचर उतने 10,000 की संख्या में पढ़ाते थे। तो सोचिए कि विद्यार्थी संख्या कितनी होगी उसमें। तो समाज को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और भी एक जानकारी मिली कि ये समाज से जागरूक हुए तो ऐसा कॉलेज बना पाए जी। तो बहुत सारे कॉलेज में अंधविश्वास पढ़ाते हैं, देवी देवता की फ़ोटो वगैरह रखते हैं। तो हम ये कॉलेज चेक करेंगे, इसमें बुद्ध और बाबा साहब के महापुरुषों की कैसे विचारधारा यहाँ पे दिखाई देती है। और उनको क्या कहेंगे जो समाज के पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं पर मिशन को आगे बढ़ाने में उतना योगदान नहीं देते, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे इस विद्यालय के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने इस विद्यालय की को बना करके यहाँ पर बच्चों को भी महापुरुषों की जानकारी देते हैं, तो जो नहीं दे रहे हैं, जो अपने विद्यालय में पाखंड को भी पढ़ा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मंत्री जी आप? जो देखिए जो पाखंड को पढ़ा रहे हैं वो तो पूरा जीवन अंधविश्वास में जाएगा उनका, और महापुरुष के विचारधारा को नहीं जान पाएंगे। पेरियार रामा स्वामी के सच्ची रामायण को नहीं जान पाएंगे और अपना ही जीवन अंधविश्वास में खो देंगे और आने वाली पीढ़ियों का भी वो अंधविश्वास में जीवन खो देंगे। तो सबको बुद्धिज्म के रास्ते पे आना चाहिए। बुद्धिज्म एक जीवन जीने का मार्ग है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये सभी जाति धर्म के लोगों के लिए बुद्धिज्म की शिक्षा जब तक दुनिया रहेगी वो बुद्धिज्म का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का या भगवान बुद्ध का ज्ञान लोगों के लिए जीवन के लिए कल्याणकारी रहेगा। जैसा अभी भंते जी ने कहा कि यहाँ चेक करेंगे महापुरुषों की फोटो लगे हुए नहीं लगे हैं, तो मैं हमारे कैमरामैन साथी से निवेदन करूँगा कि यहाँ दिखाएंगे नहीं चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं क्रांतिकारी महापुरुष, उनके फोटो फ्रेम भी यहाँ लगे हुए हैं बहुत अच्छे से।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है यहाँ नीचे। तो बहुत ही बढ़िया विद्यालय है, इस विद्यालय में पूरी तरीके से महापुरुषों को स्थान दिया गया है, बहुत खुशी की बात है। तो प्रधानाचार्य महोदय, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, प्लीज? संदेश देना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो जो समाज के गरीब शोषित वर्ग हैं, ऐसे ही हमारे जो महान जो समाज के उत्थानक जो जिनका प्रोग्रेस बढ़िया, ऐसे विद्यालय खोले जो है और समाज का विकास होता रहे जो है जी। और निरंतर हमारे संस्थापक और प्रबंधक जी का ये रहता है संघर्ष जो है कि बच्चे पढ़ लिख के आगे निकले और समाज में ऐसा सपना साकार भी हो रहा है इस समय जो है। प्रतिवर्ष जो हमारे विद्यालय से जो है 543 545 IAS बच्चे पाते हैं 600 अंक में जो है, और समाज का और राष्ट्र का जो है विकास जो है, बहुत से बच्चे हमारे सर्विस में चले गए जो है, प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। बंदे जी आप क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? मैं तो एक कहूँगा कि बाबा साहब को हर जाति धर्म के लोग मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब की वजह से ही हम जिंदा हैं आज। वर्षों के बाद बाबा साहब ने देश को आज़ाद किया है, मैं तो ऐसे बोलूँगा, क्योंकि इंसान को बोलने की भी आज़ादी नहीं थी, मुंह में जबान होकर भी इंसान बोल नहीं पाता था, अच्छे ढंग से कपड़े पहन नहीं पाता था और नगर से घूम भी नहीं पाता था और पीछे झाड़ू लगा था। इतना गुलामी सहकर हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो बाबा साहब की वजह से पहुँचे हैं। और बाबा साहब को हर जाति धर्म के लोग मानते हैं, मगर बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो हर लोगों ने बाबा साहब ने जो रास्ता दिया है वो अपनाना चाहिए और उसी की और बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब का आखिरी मिशन था बुद्धिज्म भारत, और भारत को बुद्धिज्म में लाने का हर लोगों ने प्रयास करना चाहिए, बुद्धिज्म की ओर बढ़ना चाहिए, और उसमें सभी जाति धर्म के लोगों के लिए कल्याण की भावना है, उसमें जाति का नाम नहीं, सब वहाँ पे इंसान बन के लोग जीते हैं। विश्व ने पूरे बुद्ध को अपनाया तो पूरे विश्व की प्रगति हो गई, मगर अपने देश में आज भी बुद्ध को नहीं जाना जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऐसे कॉलेज बनना बहुत ज़रूरी है जिसमें बुद्ध को पढ़ाया जा सके। और एक बात, जिन्होंने कॉलेज बनाया है उन्होंने एक अंबेडकर पार्क भी बनाया है, जैसे हाँ ऐसे बना हमको समझ में आया, तो उसके बारे में कुछ बताओ कहाँ पे है कैसा है वो? ग्राम सभा दिबथुआ में हमारे संस्थापक जी सेवाराम जी राव साहब जो है और प्रबंधक अशोक कुमार राव जी साहब जो है 10वें विश्व में जो है वो बौद्ध विहार पार्क की स्थापना की है जी। तो आप थे स्कूल के प्रिंसिपल और आप थे पूज्य बंते जी। तो हमारे साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो यह वीडियो और लोगों तक पहुँचाए ताकि समाज जागरूक हो और इस प्रकार के विद्यालय और भी स्थापित हो सके। बहुत बहुत नमो बुद्धाय जी। शुक्रिया।